अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैफ अली और इलम सीखो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट टू और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे फ्रॉम द समराइज्ड बैलेंस शीट गिवन बिलो ऑफ ए कंपनी। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, डेटा टर्न ओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट टर्न ओवर रेशियो। लाइबिलिटीज़ में हमें बताया गया है इक्विटी 1,24,000, लॉन्ग टर्म लोन 1,06,000 एंड करंट लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 74,000। एसेट्स में हमारे पास हैं फिक्स्ड एसेट रुपीज़ 2,08,000, स्टॉक 46,000, डेटर्स हैं 44,000 की, उसमें से लेस करनी है प्रोविजन 4,000, तो नेट डेटर्स हमारे पास हैं 40,000, कैश है हमारे पास 10,000 रुपीज़। सेल्स हमें दी गई हैं 4,00,000 रुपये और ग्रॉस प्रॉफिट है इसके ऊपर 20%। तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सेल्स भी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, CGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे और वो है 20% ऑफ सेल्स। CGS इज इक्वल टू 4,00,000 जो कि सेल्स हैं लेस 20% ऑफ सेल्स, वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 80,000 रुपये, तो नेट हमारे पास CGS की अमाउंट आ गई 4,00,000 जो कि सेल्स हैं और ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000 रुपये, 3,20,000 रुपये नेट अमाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अब हम फाइंड कर लेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, 3,32,000 तकसीम करेंगे इसको हम 46,000 रुपये के जो कि स्टॉक है। स्टॉक को हमने इसलिए एवरेज कंसीडर किया है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही अमाउंट है। अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अमाउंट्स होती तो हम उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो अब हमारे पास एवरेज स्टॉक आ जाता। लिहाजा यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसी को हम एवरेज स्टॉक कंसीडर करेंगे 46,000 को। तो इसका आंसर हमारे पास 6.96 टाइम्स होगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 46,000, 6.96 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा टर्नओवर रेशियो और डेटा टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास हैं 4,00,000 रुपीस और एवरेज डेटर्स हैं हमारे पास 44,000। हमने एवरेज डेटर्स लेने हैं जो कि प्रोविजन लेस करने से पहले हैं, वो हमारे पास 44,000 है। अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट्स होती तो इनको भी हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करते, लिहाजा यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो यही 44,000 हमारे पास एवरेज डेटर्स हैं। अब हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स हैं हमारे पास 4,00,000 रुपये की, इसको हम डिवाइड करेंगे 44,000 रुपये, तो ये हमारे पास 9.09 हमारे पास आ गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पहले ही फाइंड कर ली हुई है जो कि 3,20,000 है। अब हमने सिर्फ नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है। नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारे पास करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, स्टॉक, डेटर्स है और कैश है। तो हम लिखेंगे 96,000 माइनस 74,000, ये हमारे पास 22,000 नेट वर्किंग कैपिटल होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, स्टॉक है, डेटर्स हैं, इसमें से हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करना है और ऐड कर देना है कैश। जिस ऑर्डर के साथ ये लिखी हुई हैं अमाउंट्स वैसे ही हमने इनको ऐड कर देना है, 46,000 प्लस 44,000 लेस 4,000 प्लस 10,000, तो हमारे पास 96,000 करंट एसेट्स आ गए। अब हम देखते हैं हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं और वो हमें टोटल करके दे दी हुई हैं 74,000। अब हम सिंपली ऐड करेंगे अमाउंट्स फार्मूले में और आंसर आ जाएगा 3,20,000 हमारे पास CGS है और हमने एवरेज
नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड कर लिया है जो कि 22,000 है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 22,000, 14.55 टाइम्स, ये हमारा आंसर है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का। लास्ट वन है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का फार्मूला है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पहले भी फाइंड कर ली हुई है 3,20,000, और नेट फिक्स्ड एसेट भी हमें टोटल में दिए हुए हैं 2,08,000। तो अब CGS को हम नेट फिक्स्ड एसेट पे डिवाइड करेंगे, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2,08,000, तो हमारे पास नेट फिक्स्ड एसेट्स का आंसर आ जाएगा 3,20,000 CGS डिवाइडेड बाय 2,08,000 नेट फिक्स्ड एसेट्स, 1.54 टाइम्स हमारा आंसर है नेट फिक्स्ड एसेट्स का। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।